तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। अगर आप भी टेंस को पढ़ पढ़ के परेशान हो चुके हैं लेकिन सेंटेंस आपको अभी भी समझ नहीं आता, तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं कि सेंटेंस बनता कैसे है। हम लोग बात करेंगे सेंटेंस की बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, और किसी भी भाषा का एक ही पर्पस होता है कि आप उसके शब्दों के माध्यम से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाए, यानी कि आपको उस भाषा के शब्दों की नॉलेज होनी बेहद आवश्यक है, राइट? लेकिन शब्द काफी नहीं होते, तो हम लोग शब्दों से क्या बनाते हैं, हम वाक्य बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं सेंटेंसेस, ओके? लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमने चार शब्द लिए एक जगह रखे और सेंटेंस बन के तैयार हो गया। नहीं दोस्तों, हर एक शब्द की अपनी अहम भूमिका होती है, अपनी एक पहचान होती है, और उसी हिसाब से हम लोग सेंटेंस को उस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में, उस ढांचे में अरेंज करके उस वाक्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों कोई भी वाक्य हो, हम लोग उसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है सब्जेक्ट। दोस्तों सब्जेक्ट का मतलब होता है वो टॉपिक जिसके बारे में बात की जा रही है। कोई भी वाक्य होता है किसी ना किसी चीज का जिक्र करते हैं ना, अरे जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, ओके? और उसके बारे में जो भी जानकारी दी गई, उसके बारे में जो कुछ भी कहा गया है दोस्तों, उस पूरे पार्ट को आप लोग प्रेडिकेट कहते हैं। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है सब्जेक्ट, और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, जो भी जानकारी दी गई है, वो पूरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं कहता हूं एन अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, ओके, तो यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं एन अर्ली बर्ड की, तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब इसके बारे में क्या कहा गया, ये कहा गया दैट इट कैचेस द वर्म, तो यहां से लेकर यहां तक का पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं कहूं द सन rises in the east, तो अब एक चीज बताइए यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं सूर्य देवता द सन की, तो ये क्या हुए, ये सब्जेक्ट हुए, और उनके बारे में क्या कहा गया, दैट इट राइजेज इन द ईस्ट, तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, आपका प्रेडिकेट हुआ। तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि आपका प्रेडिकेट पार्ट हमेशा ही आपके वर्ब से शुरू होता है। जी हाँ, आपका प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से शुरू होगा, अगर वर्ब नहीं है तो वो प्रेडिकेट है ही नहीं, ओके? तो ऐसे ही एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्लोज कहते हैं। क्लोज जो होती है वो आपके सेंटेंस की सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर भी होती है, ओके? तो यहां तक समझ में आ गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको एक बात तो क्लियर होगी होगी कि कोई भी सेंटेंस हो आप उसके दो हिस्से कर सकते हैं। भाई जिस चीज का जिक्र किया जा रहा है हम उसे सब्जेक्ट कहेंगे, और उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है हम उसे प्रेडिकेट पार्ट कहेंगे। आपका प्रेडिकेट पार्ट हमेशा ही एक वर्ब से शुरू होगा, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ वर्ब होगी, उसके अंदर और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके वर्ब के नेचर पे। कुछ एग्जांपल के माध्यम समझते हैं। अगर मैं कहूं अ बॉय लाफ्ड, तो आप देखते हैं यहां पे अ बॉय सब्जेक्ट हुआ, लाफ्ड आपका प्रेडिकेट हुआ, लेकिन यहां पे सिर्फ वर्ब आई है, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है शी टुक अ फोटोग्राफ। अब यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसी महिला की, तो शी हुआ आपका सब्जेक्ट, फिर मैंने वर्ब से शुरू करना है, क्या क्या उसने, शी टुक, उसने ली, क्या ली, एक फोटोग्राफ ली, तो यहां पे ये तो हुई वर्ब और ये पार्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि प्रेडिकेट के अंदर इस बार एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट भी था। अगले एग्जाम्पल में कहता है आई, ठीक है, उसके बाद में देखिए कहता है विल गिव यू अ रिंग, तो भाई आई खुद की बात कर रहा है, सब्जेक्ट हुआ। अब विल से शुरू करते हैं, विल गिव एक्शन, कुछ दिया जा रहा है, प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो चुका है यहां से। अब क्या दिया जा रहा है, एक रिंग दी जा रही है, किसको, तुम्हें। तो यहां पर आप देखते हैं कि दो ऑब्जेक्ट थे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पे प्रेडिकेट पार्ट विल से लेकर रिंग तक था, जिसके अंदर आपने वर्ब को देखा, आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखा, आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखा। नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है ही इज वॉकिंग दिस आफ्टरनून, ही
जिसका जिक्र किया जा रहा है वो सब्जेक्ट हुआ। अब वर्ब से क्या शुरू हो गया, प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो गया। अब यहां पे वॉकिंग क्या हुआ, वर्ब हुआ, एक्शन हुआ, लेकिन यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पर दिस आफ्टरनून टाइम बता रहा है, टाइम यानी कि ये एडवर्ब फ्रेज है, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे एडजंक्ट। ओके, ही साइंड इट एज अ प्रोटेस्ट। यहां पर वी सब्जेक्ट हुआ, ओके okay. अब साइंड एक्शन हुआ, तो यहां से आपका प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो गया। उसके बाद में इसने एक ऑब्जेक्ट भी लिया है इट, उसके बाद में कहता है एज अ प्रोटेस्ट, ये बता रहा है कारण, तो ये भी आपका एडवर्ब फ्रेज हुआ, तो इसे भी आप क्या कहेंगे, ये भी आपका एडजंक्ट हुआ। तो यहां पर आपका वर्ब आया, ऑब्जेक्ट आया और एडजंक्ट आया, ठीक है। अगले में कहता है ही विल गेट एंग्री, वो गुस्सा हो जाएगा। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, राइट। अब यहां से आपका प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, लेकिन ये एंग्री क्या है, ये आपके सब्जेक्ट के बारे में ही उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे, हम इसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, वो शब्द जो वर्ब के बाद आके सब्जेक्ट की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ओके, अगले सेंटेंस में देखते हैं, आप कहते हैं इट सब्जेक्ट हुआ, मेड ठीक है वर्ब हुई, तो यहां से प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो गया। माय क्लोथ्स, मेरे कपड़े, ये क्या हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अब कपड़ों को कैसा कर दिया, डर्टी कर दिया। अब ये जो डर्टी है आपके क्लोथ्स, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है, तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो दोस्तों आपने देखा कि आपके सेंटेंस की स्ट्रक्चर बहुत अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपकी वर्ब पे। ओके, चलिए दोस्तों एक कंक्लूजन देख लेते हैं कि भाई हर एक क्लोज के अंदर एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, और आपके प्रेडिकेट के अंदर हमेशा ही एक वर्ब आएगी, लेकिन उस वर्ब के नेचर पे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर और कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं। अगर आपकी वर्ब ट्रांजिटिव होती है, तो भाई ट्रांजिटिव वर्ब का होने का मतलब ये है कि वो अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट को लेगी, और जब ऑब्जेक्ट को लेगी तो वो एक एडजंक्ट को भी ले सकती है, लेकिन कुछ केसेस में आपके दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आने वाले वीडियोस में हम डिटेल पे चर्चा करेंगे। तो आपने देखा कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो भाई एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और फिर प्रीपोजिशन की मदद से आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी लगा सकते हैं, और फिर एडजंक्ट भी उसमें आ सकता है, राइट। दूसरे प्रकार की वर्ब ये देखिए कि अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है तो वो अपने बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, तो उसके बाद में डायरेक्टली या तो कुछ नहीं आता या फिर एक एडजंक्ट पार्ट आ सकता है। ओके, अब तीसरी जो हमने वर्ब देखी वो है लिंकिंग वर्ब। भाई लिंकिंग वर्ब वो है जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो रिप्रेजेंट करती है आपके सब्जेक्ट की स्टेट को, कि वो कैसा है, कैसा महसूस कर रहा है, तो इसके बाद में जो शब्द आता है वो आपके सब्जेक्ट के मीनिंग को भी पूरा करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, राइट। सो बेसिकली ये अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर्स हैं जो सेंटेंस की पॉसिबल है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में आपके सब्जेक्ट कितने प्रकार के हैं, वर्ब कितने प्रकार की है, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के हैं, एडजंक्ट्स कितने प्रकार के हैं, हर एक पर डिटेल पे चर्चा की जाएगी। ओके, धन्यवाद।